देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर जारी है, वहीं तीसरी लहर के आने की आशंका बनी हुई है। इस बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद देश में चौथा सीरो सर्वेक्षण करने की तैयारी में है। इससे पहले 9 माह में 3-3 बार सीरो सर्वे किए गए, जबकि फिलहाल पिछले 4 माह से सीरो सर्वे नहीं हुआ है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महामारी विज्ञान और संचार रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा ने कहा, चौथे सीरो सर्वे कराने की योजना पर काम जारी है। ICAMR के महानिदेशक की ओर से औपचारिक रूप से इसकी घोषणा की जाएगी। डॉक्टर समीरन पांडा का कहना है कि सबसे पहले जिन जिलों में संक्रमण दर अधिक है, वहां बहुत तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है। इसमें सीरो सर्वे भी मददगार साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि जनवरी में हुए सीरो सर्वे में 1/4 आबादी संक्रमण की चपेट में आने की पुष्टि हुई थी, लेकिन यह भी पता चल गया था कि 75% आबादी संकट में है, जिन्हें बचाव की सबसे ज्यादा जरूरत है। 4 माह बाद सीरो सर्वे करवाने पर चर्चा। वर्तमान हालात देखे तो बीते 4 माह से देश में एक भी सीरो सर्वे नहीं हुआ है, जबकि उससे पहले 9 माह में 3-3 बार सीरो सर्वे किया गया। इस सर्वे के दौरान गांव-गांव जाकर लोगों के रक्त नमूने लेकर जांच की गई तो कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी का पता चला। वहीं आंकड़ों के अनुसार इसी साल 1 मार्च से अब तक देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि जनवरी 2020 से 28 फरवरी 2021 तक 1.11 करोड़ मामले थे और 1.57 लाख लोगों की मौत हुई थी। कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी ही और भी कई खबरों को सबसे पहले पाने के लिए बने रहें हमारी चैनल के साथ।